हेलो एवरी वन एंड वेरी वॉम वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल सो गाइज वी आर बैक एंड दिस इज़ द थर्ड पार्ट गाइज और इसके अंदर बेसिकली हम क्रॉप uh, डाटा को देखेंगे ठीक है जो हमारा मेन टारगेट है अगेन एग्रीकल्चर एट प्लांस जो आपका गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है वहाँ से सारा इंपॉर्टेंट डाटा आपके लिए यहाँ पर हम कवर अप कर रहे हैं पी डी एफ आपको टेलीग्राम पर पिछले दो लेक्चर्स के मिल चुके हैं इस लेक्चर का भी मिल जाएगा टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में ज्वाइन कर सकते हो चैट ग्रुप और दोस्तों ये टू थाउजेंड प्लस एम सी क्यू कोर्सेज इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है इसके लिए एक फ्री सैम्पल टेस्ट भी डिस्क्रिप्शन के अंदर गिवन है इसको भी आप एक्सप्लोर करें एक बार एंड काफ़ी आपको फ़ायदा होगा एग्रीकल्चर के आपको विद एक्सप्लेनेशन यहाँ पर विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन नॉन वीडियो है लेकिन आपके लिए नॉन वीडियो ये अभी जानबूझ करके रखा गया ताकि आप फटाफट से कोश्चन्स को कवरअप कर सको ठीक है तो फ्री एक सैम्पल टेस्ट है उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है और बहुत किफ़ायती दाम इसका रखा गया है और अभी थर्टी परसेंट ऑफ चल रहा है आप अर्ली थर्टी अगर कोड लगाएंगे एंड मैं बार बार बोल रहा हूँ अगर कोई प्राइस को अफोर्ड नहीं कर सकता वो डायरेक्टली मुझे कॉन्टैक्ट करें नाइन के ऊपर ठीक है चलिए वो व्हाट्सएप करना बेटा ओके सो लेटेस्ट क्विकली स्टार्ट और क्रॉप uh, डाटा देखने से पहले uh, एक हमें पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन का डाटा भी देखना है जो 2011-12 का डाटा है बेसिकली नीति आयोग का ये डाटा जो आपका अर्ट वाइल प्लानिंग कमीशन है तो वो भी देख लीजिए रूरल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से काम आ सकता है तो इसके अंदर अपने पास दो तो तीन चीज़ें हैं सबसे पहले हाइएस्ट रूरल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन सबसे ज़्यादा रूरल पॉपुलेशन बिलो पॉवर्टी लाइन किस स्टेट के अंदर है छत्तीसगढ़ ठीक है छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ में जो रूरल पॉपुलेशन है 44.6 परसेंट रूरल पॉपुलेशन जो है वो बिलो पॉवर्टी लाइन है एज पर 2011-12 इलेवन लोएस्ट रूरल पॉपुलेशन बीपीएल ये बेटा गोवा के अंदर है गोवा में रूरल पॉपुलेशन में सिर्फ 6.8 परसेंट पॉपुलेशन ऐसी है जो बिलो पॉवर्टी लाइन है ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम रूरल पॉपुलेशन देखते हैं जो बिलो पॉवर्टी लाइन है दैट इज अराउंड 25.7 परसेंट तो इसके अंदर स्टेट याद रख लीजिएगा परसेंटेज में से तो इतना ज्यादा वो नहीं पूछेगा परसेंटेज मेनली आप ये ऑल इंडिया वाला याद रखिएगा ठीक है बाकी तो हाईएस्ट और लोएस्ट वाले में तो बस स्टेट का नाम याद रख लेंगे तो चल जाएगा ये तो बस मैंने आपको एक नॉलेज यहाँ पर शेयर कर दी है कि कितना परसेंटेज की टर्म्स में है लेकिन अगर नहीं भी याद रहेगा तब भी कोई टेंशन वाली बात नहीं है उसके बाद अर्बन एरियाज़ में अगर हम बात करें तो अर्बन पॉपुलेशन में बीपीएल में हाईएस्ट बेटा मणिपुर में है 32.6 परसेंट और लोएस्ट जो है वो गोवा में है अगेन तो रूरल और अर्बन दोनों के अंदर गोवा में सबसे कम पॉपुलेशन है बिलो पॉवर्टी लाइन ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम अर्बन पॉपुलेशन देखते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन तो वो बेटा थर्टीन है अगेन यहाँ पर हाइएस्ट और लोएस्ट में तो बस स्टेट का नाम याद रख लीजिएगा और ऑल इंडिया के लिए परसेंटेज याद रख लीजिएगा और अगर हम ऑल इंडिया का अर्बन प्लस रूरल टोटल देखते हैं तो हमारा जो बिलो पॉवर्टी लाइन का परसेंटेज है वो है ट्वेंटी वन पॉइंट नाइन परसेंट ये जो सारे का सारा डाटा है ये आपके लिए प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा बेटा और ये आपके लिए मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट रहेगा क्वेश्चन जो है प्री में भी पूछा जा सकता है मेन्स में भी पूछा जा सकता है चलिए अब हम मेजर प्रोडक्शंस देखेंगे इंपॉर्टेंट क्रॉप्स की ठीक है और फालतू का डाटा मैं आपको यहाँ पर नहीं दूंगा जो पूरा डेटा चार्ट्स है उनको स्टडी करके जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो मैंने यहाँ पर आपके लिए निकाल करके बना दी हैं और इसमें से जो भी इंपॉर्टेंट uh, एम बनते हैं जो हम इन्फॉर्मेशन यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं वो आपके एमसीक्यू कोर्स के अंदर अवेलेबल है तो सबसे पहले फूड ग्रेन्स फूड ग्रेन्स में अगर हम बात करें एरिया की तो ये आपके टॉप थ्री हैं सबसे ज़्यादा यूपी एमपी और फिर राजस्थान यूपी जो है मैक्सिमम एरिया है फूड ग्रेन प्रोडक्शन के अंदर एरिया से मतलब हमारा कि कितना लैंड यूज़ हो रहा है तो सबसे ज़्यादा लैंड यूपी के अंदर है जो फूड ग्रेन कल्टिवेशन के अंदर आता है अराउंड फिफ्टीन प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा बेटा फूड ग्रेन की जो प्रोडक्शन है फूड ग्रेन्स में वेरियस सीरियल क्रॉप्स आ गए आपके राइस व्हीट मेज़ सारा इसके अंदर आ गया तो प्रोडक्शन के अंदर भी यूपी में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है फॉलोड बाय एमपी और पंजाब देखो सबसे इंपॉर्टेंट तो जो नंबर एक पे है वो याद रखना है ठीक है क्योंकि क्वेश्चन भी उसमें से ही पूछता है वो क्वेश्चन भी उसमें से ही पूछता है ज़्यादातर तो मैंने फिर भी आपको यहाँ पर टॉप थ्री बताए हैं और परसेंटेज मैं सिर्फ टॉप वाले का बता रहा हूँ तो हो सके तो ये परसेंटेज आप याद रख लीजिएगा क्योंकि ये एम टाइप के क्वेश्चन में तो डायरेक्टली पूछा जा ही सकता है वो इस तरीके से भी पूछ सकता है कि यार ये आपको मेंस के जो आपके आंसर राइटिंग है अगर मैं बात करूं स्पेशली नबार्ड ग्रेडे के बच्चों के लिए तो उसमें भी आप कहीं ना कहीं इस डेटा को यूज कर सकते हो अब देखो एमसीक्यू में किस तरीके से क्वेश्चन पूछ सकता है विच अमंग फॉलोइंग स्टेट इन इंडिया प्रोड्यूसेस अराउंड एटीन परसेंट ऑफ द कंट्रीज फूड पूछ सकता है कि नहीं पूछ सकता ऑप्शन में आपको दे देगा ऑप्शन तो उसके लिए कोई दिक्कत है ही नहीं बनाना ऑप्शन बना देगा ए यूपी बी एम पी सी पंजाब डी हरियाणा है ना आंसर हो जाएगा यूपी क्योंकि एटीन पॉइंट एट नाइन परसेंट है इस तरीके से ठीक है यील्ड बेटा सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन का पंजाब का फोर थाउजेंड सिक्स हंड्रेड एंड सिक्स के जी पर हेक्टेयर के अराउंड का अगर नहीं भी याद रहता है बस एक रफ आइडिया दिमाग में रखें इरिगेशन भी सबसे ज़्यादा फूड ग्रेन्स के लिए पंजाब में डेवलप्ड है अराउंड नाइनटी एट पॉइंट सेवन परसेंट और ऑल इंडिया लेवल पे अगर आप इरिगेशन देखते हो तो फिफ्टी फोर पॉइंट थ्री परसेंट एरिया के अंदर uh, जो है फूड ग्रेन ग्रोथ के एरिया के अंदर आपको इरिगेशन फैसिलिटी जो है वो मिलेगी ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा ये याद रखने पड़ेंगे आपको राइस पे आ जाए राइस में सबसे ज्यादा एरिया बेटा यूपी के पास है कल्टिवेशन में अक्सर बच्चे जब ये क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा ना उसमें ऑप्शन में पंजाब और हरियाणा रहेगा ही रहेगा ठीक है और बहुत से बच्चे पंजाब या हरियाणा में कंफ्यूज रहेंगे कि एरिया सबसे ज्यादा पंजाब या हरियाणा के पास होगा बट ऐसा नहीं है एरिया सबसे ज्यादा यूपी के पास है अंडर राइस कल्टीवेशन फॉलोड बाय वेस्ट बंगाल एंड देन पंजाब प्रोडक्शन में अब देखो प्रोडक्शन के अंदर भी पंजाब नंबर एक पर नहीं है ये एक बहुत बड़ी गलती हम लोग करते हैं एज अ स्टूडेंट जब भी प्रोडक्शन या एरिया के ऊपर क्वेश्चन आता है ना तो हमारा ध्यान सबसे पहले पंजाब और हरियाणा में जाता है पर ये मिथ आपका दूर हो जाएगा अभी ठीक है जब हम वेरियस क्रॉप्स का देखेंगे तो प्रोडक्शन में भी बेटा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में है ये क्वेश्चन नबार्ड के अंदर पूछा भी जा चुका है प्रीवियस ईयर्स में कि सबसे ज्यादा राइस की कल्टीवेशन किस स्टेट के अंदर होती है तो वो ना यूपी में है ना पंजाब में है ना हरियाणा में है वो वेस्ट बंगाल में है अराउंड 13.62 परसेंट और उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे यूपी और पंजाब आ जाते हैं राइस में येल्ड अगेन पंजाब का सबसे ज्यादा है अराउंड 4366 केजी पर हेक्टेयर का इरिगेशन भी पंजाब के अंदर ही सबसे ज्यादा डेवलप्ड है राइस एरियाज में 99.7 परसेंट जो राइस फील्ड्स है पंजाब के अंदर वहाँ पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है और ऑल इंडिया लेवल पे अगर हम इरिगेशन देखते हैं राइस के लिए तो दैट इज 62.7 परसेंट कितना है 62.7 परसेंट है नेक्स्ट आ जाओ बेटा वीट के ऊपर तो वीट के अंदर एरिया अगेन वीट में भी एरिया सबसे ज़्यादा यूपी के पास है राइस में भी सबसे ज़्यादा एरिया यूपी के पास था वीट में भी थर्टी वन पॉइंट वन सिक्स परसेंट दूसरे नंबर पर एम और तीसरे नंबर पर पंजाब है प्रोडक्शन में भी सबसे ज़्यादा बेटा इसके अंदर आगे यूपी ही है बट ये तुक्का मत लगाना ये एज्यूम करके मत चल लेना कि अगर एरिया में कोई स्टेट सबसे ज़्यादा है तो उसी स्टेट के अंदर प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा होगी ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है बहुत सारी क्रॉप्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा जैसे कि अभी हमने राइस के अंदर ही देखा कि भाई एरिया सबसे ज़्यादा यूपी के पास है लेकिन प्रोडक्शन में सबसे आगे वेस्ट बंगाल है तो सिमिलरली बाकी क्रॉप्स के साथ भी हो सकता है किसी किसी स्टेट के अंदर होगा कि हाँ यार एरिया भी एक स्टेट का सबसे ज़्यादा और उसका प्रोडक्शन भी सबसे ज़्यादा बट हर केस में नहीं होगा प्रोडक्शन भी यूपी का सबसे ज़्यादा थर्टी टू पॉइंट फोर टू फॉलोड बाई एम पी एंड पंजाब यील्ड की बात करें तो अगेन पंजाब यील्ड में सबसे आ गया फोर एट सिक्स टू के जी पर हेक्टेयर का यील्ड uh, जो है आपको पंजाब के अंदर देखने को मिलता है इरिगेशन पोटेंशियल इसके अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा है अराउंड नाइन्टी नाइन पॉइंट नाइन परसेंट जो फील्ड्स हैं वीट के हरियाणा में वहाँ पर इरीगेशन फैसिलिटीज़ प्रोवाइडेड है और ऑल इंडिया लेवल पर अगर मैं बात करूँ तो इरीगेशन सबसे ज्यादा नाइन्टी uh, जो फील्ड्स हैं वीट की इंडिया के अंदर वो अंडर इरीगेशन है अब देखो इसमें भी क्वेश्चन अगर वो पूछ ले विच क्रॉप इन इंडिया हैज द हाइएस्ट इरीगेशन डेवलपमेंट और अवेलेबिलिटी ठीक है मल्टीपल वेज में वो इसको फ्रेम कर सकता है अब फॉर एग्जाम्पल ऑप्शन दे दे वीट बी दे दे राइस सी दे दे ज्वार अभी हम ये वाली क्रॉप्स भी देखेंगे आगे डी दे दे बाजरा तो अभी ज्वार और बाजरा तो चलो आपने देखा नहीं है राइस का तो आप देख चुके हो ना सिक्सटी टू पॉइंट समथिंग है तो अल्टीमेटली ज्वार और बाजरा का भी देखने के बाद आपको रियलाइज होगा कि वीट जो है उसमें सबसे ज्यादा ऑल इंडिया लेवल पर नाइन्टी फाइव पॉइंट थ्री परसेंट सबसे ज्यादा वीट के अंदर डेवलप्ड है तो आंसर वीट हो जाएगा तो मोरलेस क्वेश्चन पूछे जाने का एक ये भी तरीका हो सकता है अब आ जाते हैं न्यूट्री या कोर्स सीरियल्स के अंदर जिसमें आपके सारे न्यूट्री कोर्स सीरियल्स आ जाएंगे ज्वार बाजरा टेक्स्ट्रा सब आ जाएगा तो न्यूट्री और कोर्स आ, कोर्स सीरियल्स में बेटा एरिया सबसे ज़्यादा राजस्थान के पास है अराउंड ट्वेंटी फाइव पॉइंट एट वन परसेंट फॉलोड बाई महाराष्ट्र एंड कर्नाटका प्रोडक्शन भी बेटा सबसे ज़्यादा राजस्थान की ही है क्योंकि एरिया में राजस्थान का हाथ पकड़ने वाला कोई है नहीं तो इसी वजह से प्रोडक्शन भी इसकी बहुत ज़्यादा है सिक्सटीन पॉइंट थ्री जीरो परसेंट जो इंडिया के अंदर कोर सीरियल्स प्रोड्यूस होते हैं उसका सिक्सटीन पॉइंट थ्री जीरो परसेंट राजस्थान है दूसरे नंबर पर कर्नाटक और महाराष्ट्र आ जाता है अब देख रहे हो एरिया में महाराष्ट्र दूसरे नंबर पर है लेकिन प्रोडक्शन में महाराष्ट्र तीसरे नंबर पर आ गया तो ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि अगर एरिया ज्यादा है तो प्रोडक्शन भी ज़्यादा होगा क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पर यील्ड कम हो यील्ड में बेटा वेस्ट बंगाल सबसे ज़्यादा है न्यूट्री और कोर सीरियल्स के अंदर सिक्स फाइव सिक्स थ्री के जी पर हेक्टेयर के साथ अब हम बात करते हैं ज्वार की तो ज्वार के अंदर अगर आप देखोगे तो ज्वार में बेटा एरिया में सबसे आगे है महाराष्ट्र अराउंड 45.63 परसेंट एरिया ज्वार कल्टीवेशन का महाराष्ट्र में है तो अगर मैं कहूं कि पूरे हिंदुस्तान में 100 हेक्टेयर जगह पर ज्वार ग्रो किया जा रहा है तो इसका मतलब हो गया कि महाराष्ट्र एक लौता ऐसा है जिसमें फोर्टी हेक्टेयर जगह ज्वार के अंदर है ठीक है उसके बाद कर्नाटका और राजस्थान प्रोडक्शन में भी क्योंकि एरिया बहुत ही ज़्यादा है इसीलिए प्रोडक्शन में भी महाराष्ट्र सबसे आगे है 36.85 परसेंट के साथ फॉलोड बाय कर्नाटका एंड राजस्थान ओके okay, की बात करें, तो येल्ड बेटा सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश के अंदर है इसके केस में एंड इट इज अराउंड थ्री जीरो पर हेक्टेयर का यील्ड है इरिगेशन आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा है ज्वार के लिए थर्टी फोर पॉइंट टू परसेंट आप देख रहे हो कि थर्टी फोर पॉइंट टू परसेंट सबसे ज्यादा है क्योंकि बहुत कम अवेलेबिलिटी है ज्वार जैसे और न्यूट्री कोर्स जो आ, आ, सीरियल हैं इनके लिए जो इरिगेशन है अगर आप ऑल इंडिया लेवल पर देखो तो सिर्फ दस पॉइंट एक परसेंट ऑल इंडिया लेवल पर इरीगेशन पोटेंशियल है तो मतलब कि अगर सौ हेक्टेयर जगह पर मैंने जैसे बताया कि कल्टिवेशन हो रही है ज्वार की तो सिर्फ दस पॉइंट एक हेक्टेयर जगह ऐसी है जहां पर इरिगेशन फैसिलिटी अवेलेबल है बाकी सारे के सारे रेनफेड है नेक्स्ट आ जाए बाजरा बाजरा में एरिया सबसे ज़्यादा बेटा राजस्थान के पास है अब जैसे इसके अंदर मैंने एक एमसीक्यू कोर्स में भी क्वेश्चन बना करके डाला हुआ है वो क्वेश्चन क्या है कि विथ स्टेट इन इंडिया हैज मोर देन फिफ्टी परसेंट एरिया अंडर ज्वार कल्टीवे बाजरा कल्टीवेशन ऑप्शन देने में तो क्या ही जा रहा है अपने यहां पर इतनी सारी स्टेट्स हैं चार पांच स्टेट्स के नाम ही देने आंसर हो जाएगा राजस्थान ठीक है प्रोडक्शन में अगेन राजस्थान यूपी हरियाणा यील्ड सबसे ज्यादा बाजरा में हरियाणा का बेटा टू थ्री सेवन टू के जी पर हेक्टेयर इरीगेशन भी सबसे ज्यादा बाजरा का हरियाणा में है थर्टी फोर पॉइंट नाइन परसेंट और ऑल इंडिया लेवल पे इसका तो ज्वार से भी बुरा हाल है सिर्फ नाइन पॉइंट फोर परसेंट एरिया के अंदर इरीगेशन पोटेंशियल जो है वो डेवलप्ड है फिर आ जाए बेटा मेज के ऊपर मेज में एरिया कर्नाटका के पास सबसे ज्यादा है इसको इग्नोर करते हैं आप सिक्सटीन पॉइंट फोर फाइव को कर्नाटका के पास एरिया सबसे ज्यादा है उसके बाद मध्य प्रदेश और फिर महाराष्ट्र प्रोडक्शन में भी कर्नाटका सबसे आगे है अगेन मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र एरिया में सत्रह परसेंट एरिया कर्नाटका के पास है और प्रोडक्शन है यील्ड की बात करें तो तमिलनाडु सबसे ज्यादा है सिक्स एट टू जीरो के पर हेक्टेयर का यील्ड है इरीगेशन सबसे ज्यादा वेस्ट बंगाल के अंदर है एटी है और ऑल इंडिया लेवल पर इसका भी इरीगेशन पोटेंशियल काफी लो है ट्वेंटी सिर्फ इरीगेशन जो है इसके अंदर डेवलप्ड है तो अभी तक अगर मैं एक चार्ट बनाने की कोशिश करूं तो अभी तक अभी तक का मैं चार्ट अगर बनाने की कोशिश करूं तो सबसे ज्यादा बेटा वीट का था वीट के बाद बेटा राइस का था राइस के बाद बेटा मेज का है मेज के बाद बेटा आ, आपका आ, उसका इट वॉजार ज्वार दस पॉइंट एक परसेंट है ना ज्वार का था एंड उसके बाद आपका बाजरा का आ गया जो मैंने क्वेश्चन बनाया था ना कि किसका सबसे ज्यादा है उस तरह के क्वेश्चन में ये हेल्प करेगा फिर पल्सिस की बात करते हैं सारे पल्सिस इंक्लूडेड तो पल्सिस में सबसे ज्यादा एरिया राजस्थान के पास है ट्वेंटी वन एंड महाराष्ट्र सेकेंड एंड थर्ड प्रोडक्शन में अब देखो बदल गया ना एरिया में मध्य प्रदेश दूसरे नंबर पर है पर प्रोडक्शन के अंदर मध्य प्रदेश पहले नंबर पर है इसी डिफरेंस की मैं बात कर रहा था इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है तो तो तुक्के तुक्के मत लगाना लगाओगे राजस्थान है लेकिन में है। की से आती है येल्ड की बात करें तो गुजरात में येल्ड सबसे है इरीगेशन एमपी में सबसे ज्यादा फोर्टी फाइव पॉइंट फोर परसेंट का और ऑल इंडिया लेवल पर सिर्फ ट्वेंटी थ्री पॉइंट टू परसेंट इिगेशन पोटेंशियल है वो पल्सिस के लिए डेवलप्ड है पल्सिस के अंदर अगर हम क्रॉप वाइज देखें ग्राम तो ग्राम बेटा सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में ग्रो किया जाता है एरिया ट्वेंटी एट परसेंट में फॉलोड बाय राजस्थान एंड एमपी प्रोडक्शन एमपी की सबसे ज्यादा है अब देखो फिर से एरिया एमपी थर्ड नंबर पर है पर प्रोडक्शन में एमपी पहले नंबर पर है देख रहे हो ना प्रोडक्शन में छब्बीस है उसके बाद महाराष्ट्र और राजस्थान है यील्ड गुजरात का सबसे ज्यादा इसमें भी वन फाइव सिक्स एट के जी पर हेक्टेयर का इरिगेशन

उसके बाद यील्ड की बात करें तो झारखंड में सबसे ज्यादा यील्ड है पर हेक्टेयर का इरीगेशन यूपी में है थर्टीन पॉइंट फाइव परसेंट और इगेशन पोटेंशियल बेटा का है सिर्फ देखो कितना लो इरीगेशन पोटेंशियल देख लो कितना कम है सिर्फ फाइव पॉइंट टू परसेंट लेंटिल और मसूर की दाल एम पी में सबसे ज्यादा एरिया है थर्टी फाइव पॉइंट नाइन फोर परसेंट फॉलोड बाई यूपी एंड प्रोडक्शन एमपी में अगेन सबसे ज्यादा है फॉलोड बाई यूपी एंड वेस्ट बंगाल देन यील्ड की अगर हम बात करें तो यील्ड बेटा सबसे ज्यादा एमपी के अंदर है के जी पर हेक्टेयर का ठीक है बेटा सो दीज आर द दैट वी हैड टू डू इन टूडेज लेक्चर ये बेटा एक बार में याद नहीं होंगी और शुरू शुरू में कंफ्यूज भी हो गया अभी तो तुमने बहुत सारी क्रॉप्स देखनी है ऑयल सीड देखने हैं कैश देखने हैं फ्रूट देखने हैं वेजिटेबल देखने हैं सारे कराऊंगा लेकिन ये धीरे धीरे आपको याद करने पड़ेंगे कराने को तो मैं एक लेक्चर के अंदर भी कवर करा दूंगे ठीक है लेकिन इसीलिए आपको थोड़ा थोड़ा दे रहा हूँ ताकि आप थोड़ा थोड़ा रोज याद करो ताकि पेपर के टाइम तक आपको मोस्टली ये सारा डाटा याद हो जाएगा डो नॉट वरी ओके तो ठीक है गाइस अभी इस लेक्चर के लिए इतना ही कोई भी दिक्कत हो कुछ कोर्स से रिलेटेड पूछना हो व्हाट्सएप कर सकते हो मेल कर सकते हो टेलीग्राम के अंदर लिंक है उसमें चैट ग्रुप में जाकर के मैसेज कर सकते हो पी टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है चैनल को ठीक है वो भी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है और वीडियो कैसा लगा उसको भी कमेंट करके जरूर बताएं चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में टिल देन टेक केयर एंड बाय